हेलो दोस्तों, एसएससी अड्डा 246 पर आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, आज हम करेंगे पुरस्कार का पार्ट 2। देखिए दोस्तों, कल ग्रुप डी का पेपर था, तो उसमें अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया फिल्म से कि बताइए सोनम कपूर को किस मूवी के लिए अवार्ड मिला था। तो देखिए, उनकी मूवी थी निर्जा। तो इस प्रकार आप लोगों से ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं 19वां आईफा अवार्ड 2018। देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार तुम्हारी सुलु, और इसके निर्देशक कौन थे? सुरेश त्रिवेणी। तो दोस्तों पूछ सकता है, बताइए तुम्हारी सुलु मूवी के निर्देशन कौन है? तो वे हैं सुरेश त्रिवेणी। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, कौन सी फिल्म के लिए मिला इन्हें? हिंदी मीडियम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, इन्हें मरणोपरांत मिला है किस फिल्म के लिए? मौन के लिए। उसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक साकेत चौधरी, किस फिल्म के लिए मिला है? हिंदी मीडियम। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कौन सी फिल्म के लिए मिला है? मोम के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मेहर विजय, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले नितेश तिवारी और श्रेयस जैन। उसके बाद देखिए, बेस्ट म्यूजिक निर्देशक, बेस्ट म्यूजिक निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? अमाल मलिक, तनिष्क बग्ची, अखिल सचदेवा को। और सर्वश्रेष्ठ गायक का अरिजीत सिंह को, सर्वश्रेष्ठ गायिका का मेघना मिश्रा को। उसके बाद देखिए दोस्तों, सीएट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार 2017-18। उसके बाद इसमें देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बॉलर ऑफ द ईयर राशिद खान को। T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर कालिन मुनरो। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज शिखर धवन। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर मयंक अग्रवाल। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फारूक इंजीनियर को दिया गया है। देखिए, कल दोस्तों पोली उमरीगर अवार्ड से संबंधित एक सवाल आया था, तो वो अवार्ड विराट कोहली जी को दिया गया है। दोस्तों ये भी कुछ इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये हैं अन्य पुरस्कार। अन्य पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्यकार के लिए दिया गया, और ये कौन सा था? 53वां। उसके बाद देखिए, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान का जो 2017 का व्यास सम्मान ममता कालिया को उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है वो 27वां अवार्ड था 2017 का। किसे दिया गया? सितांशु यशचंद्र को। गुजराती कवि हैं और इनकी कविता थी वखार। उसके बाद देखिए दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये 2017 का विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया है, और ये 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया 2017 का? डेविड ग्रासमैन को। उसके बाद देखिए, बिहारी पुरस्कार 2016 का बिहारी पुरस्कार। उसके बाद 2017 का 18 का भी नहीं मिला है, 2016 का सत्यनारायण जी को मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मूर्ति देवी पुरस्कार 2017 का जय गोस्वामी को मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, गणित का एबल पुरस्कार 2018 का मिल गया है, और 2017 का दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट पी लैंगलैंड्स को। ये अमेरिकन है, कैनेडियन है। और उसके बाद देखिए, 2017 का यवस मेयर को, ये फ्रांस के हैं। दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड, ये 2015 का प्रियंका चोपड़ा को मिला है। उसके बाद देखिए, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के ही शिफ्ट में पूछा गया था कि बताइए सांसद का, उसमें ऑप्शन था राजस्थान की मुख्यमंत्री जो हैं वसुंधरा राजे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिए दोस्तों। उनके अलावा किन किन मिला है? सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 2013 में नमजा ए हेपतुल्ला को मिला था, 2014 में हुकुमदेव नारायण सिंह को, 2015 में गुलाम नबी आज़ाद को, 2017 में दिनेश त्रिवेदी को, और 2017 का भर्तहरि महताब को। उसके बाद देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे मिला है 2015 का? UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय को दिया गया है। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 2013 का पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2016 का सुधा मुद्गल को दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 का सानिया मिर्जा टेबल टेनिस के लिए दिया गया है, टेनिस खिलाड़ी आई। उसके बाद देखिए जो दोस्तों, यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2017 का शाहरुख खान, और 2016 का रेखा जी को। भारत रत्न पुरस्कार 2013 का सचिन तेंदुलकर और CN राव को। 2014 का अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शौर्य चक्र ये मिला है शहीद राइफलमैन औरंगजेब और मेजर आदित्य कुमार को। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार ये गोपाल कृष्ण गांधी जी को मिला है।
मोहन बगान रत्न ये प्रदीप चौधरी को मिला है। नाबार्ड पुरस्कार 2018 रैपकॉम माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को मिला है। मिस इंडिया 2018 देशना जैन को मिला है। अतिवादी जगन्नाथ दास सम्मान 2018 ये कवि रमाकांत रथ को मिला है। और गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार माइकल ओन्टाटेज, रचना है द इंग्लिश पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2018 का पुरस्कार है, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार माइकल ओन्टाटेज, और इनकी रचना द इंग्लिश पेशेंट के लिए इन्हें मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये कुछ अन्य प्रकार के वे हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार गायिका अरुणा साईराम को मिला है। कालिदास सम्मान 2018 अंजोली एला मेनन को मिला है। मिस इंडिया 2018 अनुकृति वास तमिलनाडु की है, इन्हें मिला है। बंग विष्णु पुरस्कार 2018 आशा भोसले को मिला है। टी के रामनाथन पुरस्कार ये प्रजनेश गुरुनेश्वर को मिला है। यूरोपीय गोल्डन शू पुरस्कार लियोन मेसी को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 लॉरेंस हेडार्ड एवेड डेविड नाबोर को मिला है। 23वां निक्की एशिया पुरस्कार डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मिला है। सीएम ऑफ द ईयर वसुंधरा राजे राजस्थान के जो उन्हें मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, संतोबा ह्यूमनेरिटी अवार्ड ये कैलाश सत्यार्थी एवं विकास किरण कुमार को मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, लीनियस मेडल 2018 कमलजीत एस बाबा को मिला है। फ्रांस प्लेयर ऑफ द ईयर नेमार को मिला है। रैंड इंक अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्क टुली को मिला है। सौरामौली पुरस्कार लता मंगेशकर को। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार ओल्गा टोक्रूज उपन्यास फ्लाइट के लिए मिला है उन्हें। उसके बाद देखिए दोस्तों, राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2018 अभिनेता धर्मेंद्र को मिला है। जी के रेड्डी पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को मिला है। उसके बाद देखिए, NSCI राष्ट्र सुरक्षा पुरस्कार 2017 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को दिया गया है। उसके बाद देखिए, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति पुरस्कार 2018 अनुपम खेर को दिया गया है। कायाकल्प पुरस्कार 2018 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली को दिया गया है, यानी कि ये एम्स है, दिल्ली के एम्स को कायाकल्प पुरस्कार 2018 दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रोफेसर भंते आनंद कीर्ति को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 अनुष्का शर्मा और रणवीर कपूर को दिया गया है। 16वां इंडिपेंडेंस म्यूजिक अवार्ड अनीस सद्दू सूद को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2018 प्रोफेसर मार्क वान ल्यूज ट्रेक को दिया गया है। जावेद अख्तर साहित्यिक सम्मान सूर्य भानु गुप्त को दिया गया है। यूके गोल्डन फालेम अवार्ड अभिनेत्री सिमी गरवेल को दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में विराट कोहली और महिलाओं में मिताली राज को दिया गया है। और मिताली राज ODI यानी कि वनडे क्रिकेट मैच में 6000 रन बनाने वाली प्रथम महिला बन गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जीके रेड्डी मेमोरियल नेशनल अवार्ड 2016 करण थापर ने जीता। एबल पुरस्कार 2018 रॉबर्ट लैंगलैंड ने जीता। ग्लोबल बेस्ट टीचर पुरस्कार ऑन्ड्रिया जेफिरा कोवा को दिया गया है। कोचोन पुरस्कार 2018 भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान परिषद को दिया गया। जीडी बिड़ला पुरस्कार डॉक्टर रंजन शंकर नारायण को दिया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम पोटेंट से देखते हैं, यह है विज्ञान तकनीकी ऑस्कर पुरस्कार विकास थामसे को दिया गया है। उसके बाद देखिए, यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड 2018 ये आशा भोसले जी को दिया गया है। उसके बाद देखिए, सत्य साहित्य अकादमी भाषा सम्मान शेष आनंद मधुकर को दिया गया है। और स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 मिल्क बास्केट को दिया गया है। दोस्तों ये थे अब तक के सभी 2017-18 के अवार्ड, और ये अवार्ड का पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।